ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन कानून यानी CAA लागू कर दिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार शाम को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसे लेकर समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। वहीं CAA को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। इसे लेकर DGP प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। DGP ने CAA को देश के हित का कानून भी बताया है। जौनपुर में शाहगंज रोडवेज का शिलान्यास परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने वर्चुअली किया। शाहगंज विधायक रमेश सिंह लगातार बस अड्डा बनवाने की बात कह रहे थे, जनता से तमाम वादे कर रहे थे। ऐसे में रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि 2,25,00,000 रुपए शासन से स्वीकृत हुए हैं, जल्द ही शाहगंज बस अड्डा बनकर तैयार होगा। बरसात का पानी था, इसमें शाहगंज पूरा भर जाया करता था और सड़क से नीचे थी, तो यहाँ के विधायक जी और हमारे परिवहन मंत्री महोदय के प्रयास से ये आज शिलान्यास का दिन आया है और इसका शिलान्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्चुअल लखनऊ से किया जाएगा, इसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रदेश में कितने रोडवेज डिपो का शिलान्यास आज हो रहा है? 11 आज जो है 11 रोडवेज बस स्टेशनों का शिलान्यास किया जा रहा है और 4 का लोकार्पण किया जा रहा है। बलरामपुर में पंचायत सचिव गायत्री मौर्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बगैर काम कराए ग्राम सभा लखमा के खाते से 1,53,400 रुपए पार कर दिए गए। वहीं शिकायत के बाद खंड विकास अधिकारी श्रीदत्त गंज ने जांच कराई, जहां CDO को कार्रवाई के लिए पत्र लिखकर उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र में सैमरी नाले के पास हाई टेंशन तार में टकराने से एक डंपर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस वजह से बांदा फतेहपुर नेशनल हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इटावा में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। जिले में अपर जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने अर्धसैनिक बल के साथ फ्लैग मार्च किया। वहीं क्षेत्राधिकारी चकर नगर नागेंद्र चौबे ने इस दौरान जनता को सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया। CAA लागू होने के बाद देश के कई राज्यों में एक से बढ़कर एक रोष और जोश दोनों देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी भी तरह की कोई आपराधिक एक्टिविटी ना हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। जालौन में भी पुलिस ने पैदल मार्च निकाला और CAA कानून की उपलब्धियां गिनाई। वहीं SP राजा ने लोगों से अपील की कि CAA कानून को लेकर कोई भी भ्रमित ना हो। CAA कानून नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि लोगों के हित के नजरिए से बहुत ही जरूरी कानून है। ये जन यहाँ पे कस्बे की कानून व्यवस्था देखने के लिए SDM साहब और CO साहब एवं पुलिस बल के साथ कस्बे में भ्रमण किया गया एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर डिस्कशन किया गया। इसमें जो एक मुद्दा अहम मुद्दा है वर्तमान में है, वो CNRC को लेकर है। तो उसमें सभी लोगों से मिलके हम लोगों ने रास्ते में मिलते हुए लोगों से ही बात की और सभी को बताया कि जो CNRC है उसको लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में ना रहें। उससे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाने वाली है जो कि वैध रूप से यहाँ पर रह रहा है, जो कि वैध हमारे देश का निवासी है। और इसके अतिरिक्त इसमें नागरिकता मिल ही रही है उन लोगों को जो कि कुछ देशों से आए हुए हैं और यहाँ पर बिना नागरिकता के रह रहे हैं, उनको नागरिकता इसमें दी जानी है, ना कि इससे किसी की नागरिकता छीनी जानी है। तो इसमें लेकर किसी भ्रम की स्थिति में ना रहें। इसमें किसी भी धर्म और समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये कानून सबके लिए बराबर है और देश हित में है, तो ये मैसेज सबको यहाँ पर दिया जा रहा है। यूपी के पूर्व डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा कौशाम्बी पहुंचे, जहां दिनेश शर्मा ने कड़ाधाम में माता शीतला का दर्शन किया। वहीं कोहोर्ट मिलन सम्मेलन में भी शामिल हुए। इसके साथ ही पूर्व डिप्टी CM ने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की। लखीमपुर खीरी में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला के घर पर हमला हुआ है। आरोप है कि सुबह 3 बजे किसी ने उनके आवास पर फायर झोंक दिया, लेकिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के चलते हमलावर घर के अंदर नहीं घुस पाए। निधि ने इस घटना की तहरीर कोतवाली लखीमपुर में दी है। मामले में निधि शुक्ला से हमारे लखीमपुर संवाददाता आमिर रजा ने खास बातचीत की है।
9 मई 2003 को लखीमपुर की कावित्री मधुमिता शुक्ला की लखनऊ में हत्या हुई थी। उस मामले में जो उस वक्त मंत्री थे अमरमणि त्रिपाठी, वो आरोपित हुए थे। उसके बाद से ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हुआ था कि लगातार इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी जेल गए, तमाम उतार चढ़ाव लोगों ने देखा। उसके वो दिन है कि आज तक मधुमिता शुक्ला का जो परिवार है, खास करके निधि शुक्ला, हमेशा दहशत में जी रही हैं। उनके द्वारा हमला किया गया था, जो पुलिस जन यहाँ पर मौजूद थे उनकी वजह से वो अपने हमले में कामयाब नहीं हुए। ये हमला किसने किया था, क्यों किया था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त अब मधुमिता की जो बहन है निधि शुक्ला, दहशत में है। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस घटना के बाद उन्होंने क्या किया। जी बताइए, उस घटना के बाद अभी तक आपने क्या किया? देखिए, उस घटना के बाद तो हमने सबसे पहले, मैं थोड़ा सा घटना मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख की वही सब करीब 3 बजा हुआ था, हम सो रहे थे क्योंकि इधर हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, बीपी की दिक्कत है। तो 3 बजे एकदम से धमाका हुआ। अच्छा, अमरमणि ने अभी शिवरात्रि के टाइम ही धमकी में भी हमको भिजवाई थी, तो एकदम से जैसे लगा किसी ने बम डाल दिया हमारे घर पर। हम तुरंत भागे भागे अपने, फ़ौरन हमने अपने कमरे की कुंडी बंद कर ली। पास के दरवाजे थोड़ा दूर पे कमरा है, वहाँ पे हमारा गनर सो रहा था, तो उसने भी धमाके की आवाज़ सुनी और वो भागता हुआ हमारी पास तरफ, हमारी तरफ गया, हम उसकी तरफ भागे। फिर हम लोगों ने अपने दरवाजे की कुंडी बंद कर ली और मैंने तुरंत 112 नंबर पे हमने कॉल किया। फायरिंग हुई है यहाँ पे और बारूद की महक आ रही है। थोड़ी देर के बाद जब देखा गया, आसपास देखा गया, तो हमारे जो दरवाजे पर बुलेट बरामद हुई और टायर्स टूटे पड़े हुए थे। तो बाकायदा हमला हुआ है हमारे घर पे। बस ये निधि शुक्ला है जो अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ मेन गवाह है, यही वो इनकी एप्लीकेशन, इनके एप्लीकेशन के FIR के ऊपर ही अमरमणि का ये अंजाम हुआ था। और लगातार ये अपने बहन की लड़ाई को लड़ रही है। लेकिन एक बार फिर रिट पिटीशन की इन्होंने और इसी मार्च को इनके उसमें तारीख लगी है, तो कहीं ना कहीं ये हमला उस तारीख में पैरवी को रोकने के लिए हुआ। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में जाँच के बाद क्या चीज़ निकल के आती है। कहीं ना कहीं निधि शुक्ला इस घटना के बाद से दहशत में। प्राइम टीवी के लिए लखीमपुर से आमिर रजा। परिवहन विभाग की ओर से लोगों को बड़ी राहत दी गई है। आपको बता दें, परिवहन निगम की बसों की लाइव ट्रैकिंग अब उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही आकस्मिक स्थिति में लोकेशन के जरिए तुरंत सहायता पहुंचाना आसान हो जाएगा। वहीं बसों में पैनिक बटन भी दिए जाएंगे, जिसकी निगरानी कंट्रोल रूम 24 घंटे करेगा और लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही परिवहन निगम की 3067 लाख की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और 1000 लाख की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चलती कार के बाहर एक युवती लटकी हुई है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किसी ने युवती को पकड़ रखा है। वहीं ये वीडियो लखनऊ के फिनिक्स प्लसियो मॉल के सामने का बताया जा रहा है, जिसे शेयर करते हुए लोग तमाम तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। मथुरा से चोरों के बुलंद हौसलों की खबर सामने आई है। ताजा मामला SSP आवास के पास अंजाम दिया गया है, जहां SSP आवास के बाहर खड़ी गाड़ी से 4 लाख रुपए से भरे हुए बैग को चोरों ने पार कर दिया। बताया जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले बिल्डर दीपक गुप्ता SSP से मिलने पहुंचे थे और पैसे से भरी अटैची अपनी गाड़ी में रखी थी। मामले की जानकारी बिल्डर के ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। हमने गाड़ी लगाई जी यहाँ पे, साहब मीटिंग के लिए अंदर गए इसमें और मैं पंचर लगवाने गया था जी गाड़ी में, और पीछे से किसी ने आके कांच तोड़ के हमारा सूटकेस निकाल लिया। सूटकेस में कुछ साहब का जरूरी सामान था जी। फरीदाबाद से भागे आ रहे थे और आने के बाद जब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी तो ये पीछे इन्हें, ये जो यहाँ पे टटलुओं का ये गैंग है, उन्होंने यहाँ पे शीशा तोड़ के और ये बैग से लेबर के लिए 4 लाख रुपए लेके आए थे। लेबर और स्टाफ की पेमेंट करनी थी और ये निकाल के और डकैती करके चले गए। मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने PC की। इस दौरान जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि स्वाभिमान ट्रस्ट उड़ीसा के संगठन के वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट्स ने नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मथुरा जिले के लोगों के लिए बिना बिजली के चलने वाला फिल्टर बनाया है और अखिल भारतीय हिंदू महासभा को सौंप दिया है। अब लोगों को जल्द ही बिना बिजली के फिल्टर्ड पानी की सुविधा मिलेगी।
मथुरा में नगर निगम के जलकल विभाग के पंप ऑपरेटर्स ने ऑटोमाइजेशन टेंडर का विरोध किया। पंप ऑपरेटर्स का कहना है कि काफी समय से वो पंप संचालक के तौर पर काम कर रहे हैं और जलकल विभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते अपने चहेते ठेकेदार को गुपचुप तरीके से नलकूपों का ऑटोमाइजेशन का टेंडर निकाल दिया गया। मामले का विरोध बढ़ता हुआ देखकर अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ने ऑटोमाइजेशन के टेंडर को फिलहाल निरस्त कर दिया है और कहा है कि इस टेंडर को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है और आगे भी अगर इस तरह का कोई टेंडर आता है तो वो मान्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में रहने वालों को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के तमाम कोशिशों के बाद एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने देश भर में 85,000 करोड़ रुपए की लागत की लगभग 6,000 परियोजनाओं के साथ मिर्जापुर जिले के न्यू डगमगपुर, न्यू मिर्जापुर, न्यू अहरौरा रोड और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। मिर्जापुर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू डगमगपुर स्टेशन पर भारत सरकार के उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जरिए आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल भी शामिल हुई। वहीं इस कार्यक्रम में अनुप्रिया पटेल ने पीएम मोदी और भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। ये जो आज का कार्यक्रम था ये वास्तव में ये हमारे देश के विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को 85,000 करोड़ और 6,000 प्रोजेक्टों की सौगात दे रहे हैं जिसमें शिलान्यास, शुभारंभ और लोकार्पण शामिल है। इसमें डीएफसी का करीब हमारे जो उत्तर प्रदेश में है करीब 5,900 करोड़ का भागीदारी है और जहां तक इस क्षेत्र का सवाल है डगमगपुर स्टेशन स्वयं में करीब 38 करोड़ की लागत का बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज देश को 85,000 करोड़ की 6,000 रेल परियोजनाओं की सौगात मिली है जिसके अंतर्गत मेरा अपना संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर भी लाभान्वित हुआ है, जहां पर 1920 करोड़ की लागत से जिगनाथपुर से लेकर जिगना तक का रेल ट्रैक का निर्माण होने जा रहा है और इसके साथ ही जो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिर्जापुर ज़िले से होकर गुजरता है उसके कार्यों के लिए समर्पित 3 रेलवे स्टेशंस न्यू मिर्जापुर, न्यू डगमगपुर और न्यू अहरौरा रेलवे स्टेशन का भी आज लोकार्पण किया गया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की सलाह मानना पार्टी के एक पदाधिकारी को महंगा पड़ गया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने एक सभा में कहा था कि 20-25 रुपए का एक पीला गमछा गले में डालो, इसे लगाकर थाने में जाओ और वहां दरोगा से कहो कि मंत्री जी ने भेजा है। अब ऐसा ही करना संतराम को महंगा पड़ गया है। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने नागल कस्बे के जनता इंटर कॉलेज में पहुंचकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान 14 मार्च को दिल्ली में होने वाली संयुक्त मोर्चे की बैठक पर चर्चा हुई। वहीं पीसी करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी वादा खिलाफी के चलते किसानों का शोषण कर रही है, इसी वजह से 14 मार्च को दिल्ली में संयुक्त मोर्चे की बैठक होने जा रही है। 1947 देश आजाद हुआ, आजादी की लड़ाई थी, 100 साल बाद में देश में आर्थिक आजादी की लड़ाई शुरू होगी। जिस तरह से देश को तोड़ा जा रहा है, गरीब बनाया जा रहा है, जमीन महंगी फसल सस्ती, ये देश के किसान की जमीन जागी। जो कुछ क्लोज थे इसमें से वे क्लोज हटाए और अब सब जमीन व्यापारी खरीद रहा, हाईवे की जमीन आप दाखिलों की इसके नाम है, सब व्यापारी खरीद रहा। किसान के पास तो जमीन कितने 50 साल भी नहीं रही, 50-60 साल भी नहीं रही। पहले भी ये जमींदारों के उनके थे बड़े बड़े लोग, अब फिर ये उन्हीं को वापसी जाएगी। ये पूरा टारगेट है कि 2047 तक 60% जमीन उद्योगपतियों के पास में चले जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को रेलवे की 5 परियोजनाओं की सौगात दी है। देश के 70 शहर से वर्चुअली जुड़े पीएम ने देश को 10 नई वंदे भारत ट्रेन समर्पित की, जिसमें 2 वंदे भारत ट्रेन काशी से होकर गुजरेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 स्टेशन, 1 उत्पादन, रेल कोच, रेस्टोरेंट और अत्याधुनिक गुड शेड का उद्घाटन किया। वहीं देश की जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने शुभकामनाएं भी दी। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और जहां पे आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के माध्यम से जो है 85,000 करोड़ की सौगात दी है, जिसमें वाराणसी से 2 ट्रेनें गुजरेंगी, एक रांची वाया वाराणसी होके, दूसरी जो है पटना वाया वाराणसी होके। इसके साथ साथ यहां पे आपको दिखाते चले कि जो वाराणसी का जो एक स्टेशन है, एक उसकी जो पहचान है, पहचान साथ साथ आपको दिखाते चले कि 1 स्टेशन 1 उत्पादन का भी आज उन्होंने लोकार्पण किया। इसके साथ साथ इसकी एक बड़ी विशेष पहचान रहती कि शहर के बने उत्पाद कौन से हैं और उसके क्या महत्व हैं, उसका एक महत्व भी रहता, उसके लिए उनको जगह दी गई है। जी पहले जानना चाहेंगे किस तरीके के प्रोडक्ट हैं ये? सर अच्छी प्रोडक्ट है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं और सबको पसंद आता है। सब हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं, सारे बनारस में सारे बनते हैं ये। ये कास्ट कलाओं का जो है काफ़ी, जो चूँकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आज आप लोगों के लिए एक अगर बात की जाए तो जिस तरीके सौगात मिली है, क्या कहेंगी आप? सर बहुत खुश हैं, हम लोग का प्रोडक्ट बढ़ेगा और हम लोग का इनकम भी बढ़ेगा, इससे अपने भरण पोषण भी अच्छे से कर पाएंगे। सर काफ़ी लोग इसको पसंद करेंगे। देखिए बताते चले कि वाराणसी की एक अपने आप में पहचान रखती है, इसमें तमाम आप देख सकते हैं कि कास्ट कलाओं से जो बना हुआ जो प्रोडक्ट जो है, तमाम जिसमें छल्ले हैं, तमाम इसमें आप देख सकते हैं देवी देवताओं के जो है इसमें आकृतियां बनी हुई है लकड़ियों के उस पर। तो 1 स्टेशन 1 उत्पादन के माध्यम से जो है एक अलग एक पहचान देने का पूरा पूरा एक कार्य किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए शैलेंद्र सिंह। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन-जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं, विकास प्रोडक्शन.gfx@gmail.com।